बालों की अनेक समस्याओं का एक घरेलू उपाय बनाए नारियल का तेल आसान तरीके से DIY कोकोनट ऑयल एट होम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जिन लोगों के बाल ड्राई हो रहे, डैमेज हो रहे, क्योंकि हम जो ऑयल यूज़ कर लेते हैं उसके अंदर मिनरल ऑयल कहीं ना कहीं मिला होता है जिससे हमारे बाल ड्राई डैमेज होने लगते हैं। तो आज जो हम बनाएंगे प्योर कोकोनट हेयर ऑयल, वो भी घर पर, किस तरीके से बनाना है स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल देख के आना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्योर कोकोनट हेयर ऑयल बनाने के लिए मैं सबसे पहले नारियल को छील लेना है। छीलने के बाद उसको टुकड़े करना है, तोड़ना है, अच्छे से उसको छीने छीने टुकड़े कर लेना है। उसके बाद आपको मिक्सर में रख के हल्का सा पानी डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करके जिस तरीके से हम नारियल का जूस बनाते हैं उस तरीके से इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। जब ये नारियल पूरी तरीके से पीस जाए मिक्सर में, उसके बाद आपको एक कॉटन के कपड़े पर रख के उसको छान लेना है, यानी कि आपको कोकोनट ऑयल का सबसे पहले मिल्क निकाल लेना है। जब ये मिल्क निकल जाएगा तब आपको उसको एक बाउल पर रख के, गैस पर रख के अच्छे से इसको पकाना है। कितनी देर तक पकाना है? जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्राउन ना हो जाए। बिल्कुल ये ब्राउन होगा वैसे ही ऑयल छोड़ने लगेगा, तो जो ब्राउन होने के बाद जो बचेगा वो हमारा प्योर कोकोनट हेयर ऑयल होगा। दोस्तों ये प्योर कोकोनट हेयर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों के बाल काफ़ी कर्ली होते, ड्राई होते, जिन लोगों के बाल में स्प्लिट एंड्स हो जाती है, तो उन लोग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, हेल्दी रखेगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोकोनट हेयर ऑयल बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप भी इस तरीके से प्योर कोकोनट हेयर ऑयल घर पर ही बना सकते हो और अपने बालों की केयर कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।